गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, आई होप यू ऑल आर फाइन एंड सेफ इन योर हाउस। हाउ यू आर स्टडिंग? आई सॉ योर होमवर्क। आई थिंक यू पीपल आर नॉट अंडरस्टैंडिंग द होमवर्क प्रॉपर। विशाल हैज डन प्रॉपर होमवर्क, बट दीपिका एंड पलक, आई डोंट नो हाउ यू आर राइटिंग, हाँ, बट इट्स नॉट गुड। सी द होमवर्क प्रॉपर वॉट आई हैव गिवन, जस्ट इफ यूल कॉपी ऑल्सो लाइक दैट इट विल बी फाइन। रीड एंड राइट एंड लिसन केयरफुली। ओके ओके चिल्ड्रन, टुडे वी विल रीड ग्रामर। ओके, इन ग्रामर वी विल स्टार्ट फ्रॉम द बिगनिंग। वी विल लर्न भाषा। यू नो व्हाट इज भाषा? भाषा मीन्स लैंग्वेज। भाषा मीन्स लैंग्वेज, जो भाषा हम बोलते हैं नॉर्मल, हाँ, हर जगह पे, हर स्टेट में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, ठीक है? तो आज हम उसी भाषा के बारे में पढ़ेंगे। भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से हम सोचते हैं और अपने मन के भाव विचारों को व्यक्त करते हैं। तो भाषा क्या है? एक साधन है जिससे हम जो भी सोचते हैं, हाँ, वो एक दूसरे से कहने के लिए उसका यूज़ करते हैं। मनुष्य बोलकर अपने भावों को व्यक्त करता है। हमें जो भी किसी से कहना है, बोलकर अपनी बात को हम व्यक्त करते हैं, जो भी हमें कहना होता है। और कभी कभी क्या है कि जो हमें कहना है हम लिख कर भी उसको बताते हैं, ठीक है? लिख करके भी हम दूसरे को बताते हैं कि हम क्या सोच रहे हैं, हमें क्या करना है। इन दोनों का मूल आधार भाषा ही है, ठीक है? दोनों में भाषा क्या है कि हम अपने मन में जो हमारी बात चल रही है, अच्छी बुरी, दुखी सुखी हैप्पी, उसको जो हम बोलना है ना, बोलने का ढंग है, वही भाषा है। भाषा शब्द जो है कहाँ से आया? भाषा शब्द जो है वो कहाँ से आया? भाषा शब्द एक भास धातु है, मतलब कि मैंने आप लोगों को प्रत्यय में भी पढ़ाया था ना, प्रत्यय और उपसर्ग, सफिक्स और प्रीफिक्स में पढ़ाया था। एक मूल शब्द होता है और एक सफिक्स या प्रीफिक्स लगा के बनाते हैं। तो मूल शब्द, भाषा का मूल शब्द क्या है? भास है। भास जो है वो मूल धातु है, ठीक है? उसी से भाषा बना हुआ है। भास का अर्थ होता है बोलना, ठीक है? भास का अर्थ क्या होता है? बोलना। सो मनुष्य जिन जिन ध्वनियों को, मनुष्य जिन जिन ध्वनियों से अपनी बात करता है उसे भाषा कहते हैं, ठीक है? तो जो भी हम अपनी फीलिंग्स को व्यक्त करने के लिए जो शब्द यूज करते हैं उसे ही हम भाषा कहते हैं, ठीक है? तो हमें भाषा के बारे में, अभी मैंने आपको बताया कि भाषा क्या है। भाषा जो है एक बोलने का हमारा साधन है। तो भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, सुनकर, लिखकर व पढ़कर अपने मन के भाव या विचारों को आदान प्रदान करता है। तो ये हो जाएगी आपकी भाषा की परिभाषा, डेफिनेशन, ठीक है? तो भाषा एक जो लैंग्वेज है वो एक साधन है जिसके द्वारा हम बोलते हैं, हम खुद बोलते हैं अपनी फीलिंग्स को व्यक्त करने के लिए, अपनी फीलिंग्स को बताने के लिए कि हम क्या फील कर रहे हैं, अच्छा बुरा जो भी है। सुनकर दूसरे हमसे अपनी बात क्या कर रहे हैं, उनकी क्या फीलिंग्स है, उसको सुनकर, वो भी एक भाषा है, हम उसको सुनकर। कभी कभी बिना लिखे बिना सुने हम लिख के भी एक भाषा में लिखते हैं, जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, हाँ, और कोई लैंग्वेज में हम लिख कर भी अपनी फीलिंग्स को व्यक्त करते हैं, या पढ़कर, जैसे कोई बुक है, कोई स्टोरी है, किसी ने कुछ लिखा है, कोई लेटर है, हम उसे पढ़ के भी दूसरे की फीलिंग्स को जानते हैं, ठीक है? तो ये भावों का, जो एक दूसरे के भावों के का जो विचार है, भाव है या विचार है, उसके आदान प्रदान को ही हम भाषा कहते हैं, ठीक है? जिससे हम हमारे मन के अंदर क्या चल रहा है हम दूसरे को बता सकें, या दूसरा क्या सोच रहा है उसको हम जान सकें। और किन किन साधनों से जान सकते हैं? लिखकर, पढ़कर, सुनकर, बोलकर, वही भाषा है, ठीक है? अभी क्या है, भाषा के दो रूप होते हैं, टू टाइप्स ऑफ लैंग्वेज होती है, ठीक है? भाषा टू टाइप की होती है, एक होती है मौखिक भाषा और एक होती है लिखित भाषा। मौखिक मीन्स ओरल, जो मुंह से बोली गई हो, ठीक है? मौखिक मीन्स ओरल, जो मुंह से बोला गया है। लिखित मीन्स जो लिखा हुआ है, बोला नहीं लेकिन लिख के अपनी बात को व्यक्त किया होता है। तो मौखिक भाषा क्या है? जब हम अपने मन के भावों को बोलकर प्रकट करते हैं तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। तो मौखिक भाषा क्या है? जो भी हमारी फीलिंग्स है, जैसे
हमें भूख लगी है, हमें सोना है, खेलना है, हंस रहे हो, टीवी देखना चाहते हो, ये जब मुंह से बोल के बोल रहे हो, अपनी बात को व्यक्त कर रहे हो, किसी को बता रहे हो, ये हो गया आपका मौखिक भाषा। लिखित भाषा क्या है? जब हम अपने विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं तो उसे हम लिखित भाषा कहते हैं। ठीक है, जब हम अपनी किसी बात को लिखकर बता रहे हैं, ठीक है, लिखते हैं कि हम क्या कहना चाहते हैं, वो हो जाती है लिखित भाषा। हमने किसी से कुछ भी नहीं कहा, जैसे कि हमें कोई दूसरे स्टेट में रह रहा है, हम उसको लेटर लिखते हैं, हमने उससे बात तो नहीं किया, लेकिन लिख के हमने अपनी फीलिंग्स को बताया। ठीक है, किसी ने स्टोरी लिखा है, कोई बुक लिखा हुआ है, वो स्टोरी पढ़ के हम फील करते हैं कि लोग क्या बोलना चाहते हैं, क्या लिखना कहना चाहते हैं, तो वो हो जाती है लिखित भाषा। ठीक, अभी हम लिपि के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, लिपि क्या होती है? हाँ, किसी को पता है लिपि क्या होती है? लिपि मतलब एक संकेत होता है। ठीक है, लिपि मतलब एक संकेत होता है कोई बात लिखने के लिए। ठीक है, जैसे कि एक तो हमने बोल दिया कि हमें क्या करना है, वो तो डायरेक्ट हो गया, लेकिन वो बोल भी दिया तो कैसे है, कहाँ से ब वर्ड आया, हाँ कहाँ से ल वर्ड आया, बोलना लिखना ल ख न, हाँ लिखना कहाँ से आया, तो जो भी शब्द बने कहाँ से आए, वो है लिपि। पहले हमने सांकेतिक भाषा बनाया, कुछ सिंबल्स बनाया। तो भाषा का प्रयोग करते समय हम सार्थक ध्वनियों का उपयोग करते हैं। इन्हीं मौखिक ध्वनियों को जिन चिन्हों द्वारा लिखकर व्यक्त किया जाता है वे लिपि कहलाते हैं। तो लिपि क्या होती है? कुछ एक मोटा मोटा हम बोले तो एक सिंबल होता है। ठीक है, मान लो हमारे पास आवाज़ तो मनुष्य जब पैदा हुआ था आवाज़ तो थी, हाँ हम आवाज़ निकाल सकते थे, लेकिन सबके पास अलग अलग आवाज़ है, कौन क्या बोल रहा है हमें कैसे पता। तो फिर लोगों ने क्या बोला, कुछ सांकेतिक भाषा बनाया, ठीक है, कुछ सिंबल्स बनाए पहले, और सब लोगों ने डिसाइड किया कि ऐसा सिंबल है, पहले सिंबल बनाया गया, फिर ये हुआ कि इस सिंबल को हम ऐसे प्रोनाउंस करेंगे। ठीक है, एक क लेटर बनाया गया कि क लेटर क्या होगा, एक लाइन होगी, लेफ्ट हैंड साइड एक राउंड होगा एंड राइट हैंड साइड हैंग की तरह एक हैंगिंग होगा, इसको ये एक संकेत बनाया। ठीक है, एक सिंबल बनाया और लोगों ने डिसाइड किया कि इस तरह का जो सिंबल होगा हम उसको प्रोनाउंस करेंगे क। ठीक है, हम उसे क करेंगे। तो अभी क्या है, जब हम क लेटर बोलते हैं, ठीक है, तो हमने क लेटर बोला, हमारे दिमाग में पिक्चर क्या बनी कि क कैसा होता है, एक लाइन होगी, लेफ्ट हैंड साइड राउंड होगा एंड राइट हैंड साउंड एक हैंगिंग होगा, सिंबल आता है, पिक्चर आती है हमारे दिमाग में। तो अब जब आप वो सिंबल देखते हो तो आपके मन में क्या आता है, दिस इज क, दिस इज क, माँ ल कमल। ठीक है, तो जैसे ही आपने माँ का सिंबल देखा, दिमाग ने हमारे मन में प्रोनाउंस किया कि ये माँ लेटर है, या फिर जैसे ही आपने माँ लेटर बोला, दिमाग ने हमारे बताया कि ये पिक्चर है, माँ ऐसे बनता है, ल ऐसे बनता है। तो अभी क्या है, लिपि क्या है? भाषा का प्रयोग करते समय हम सार्थक ध्वनियों का उपयोग करते हैं। इन्हीं मौखिक ध्वनियों को जिन चिन्हों द्वारा लिखकर व्यक्त किया जाता है उसे लिपि कहते हैं। ठीक है, तो अभी मैंने बताया ना कि पहले हमने सिंबल बनाया, फिर डिसाइड किया कि इस सिंबल को हम कैसे प्रोनाउंस करेंगे, तभी तो हम एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं, नहीं तो बर्ड्स की तरह, एनिमल्स की तरह सब कुछ बोल रहे हैं लेकिन पता नहीं कि कौन क्या कहना चाहता है। ठीक है, क्योंकि उनके पास कोई सिंबल नहीं है, इसलिए मनुष्य ने सिंबल बनाया कि हम जब ऐसे बोलेंगे तो इसकी पिक्चर ऐसे होगी, और ये पिक्चर है तो इसका प्रोनाउंसिएशन ऐसे होगा। इसी तरह करके पहले सिंबल बना, लेटर बनाया, फिर लेटर और मात्राएं जोड़ के वर्ड बनाया, फिर वर्ड की मीनिंग बनी। ठीक है, तो यही जो सांकेतिक चिन्ह है किसी चीज़ को प्रोनाउंस करने के लिए, उसे हम लिपि कहते हैं। लिपि की परिभाषा हम इस प्रकार से दे सकते हैं। ठीक है, लिपि की डेफिनेशन अगर हमें बोलना हो तो हम कैसे लिखेंगे, किसी भी भाषा के लिखने की विधि को लिपि कहा जाता है। ठीक है, किसी भी भाषा के लिखने की विधि को लिपि कहा जाता है। अभी देखो, आपको पता है कितनी लैंग्वेज होती हैं, ढेर सारी लैंग्वेज है,
कोई पंजाबी बोलता है लिखता है, पंजाबी, गुजराती, मारवाड़ी, मराठी, हिंदी, तमिल, तेलुगु, ढेर सारी भाषाएं होती हैं, सबके लिखने का अलग अलग ढंग होता है। ठीक है, तो बिगनिंग में इंसान ने क्या किया, जिस जिस एरिया में लोग रहते थे, क्षेत्र में रहते थे, वहाँ के कुछ लोगों ने मिलकर अलग अलग सिंबल बनाया और वो सिंबल को अलग अलग ढंग से प्रोनाउंस किया। इसी से डिफरेंट लैंग्वेज होती है। ठीक है, तो इसी से यहाँ पे लिखा गया है, किसी भी भाषा के लिखने की विधि को लिपि कहा जाता है। लिपि मतलब जो लैंग्वेज हम बोल रहे हैं उसका सिंबल, उसको पढ़ने के लिए, समझने के लिए क्या सिंबल है वो है लिपि। और किसी भी भाषा को लिखने के लिए प्रयोग किए जाने वाले निश्चित चिन्हों को लिपि कहते हैं। तो लिपि क्या है, किसी भी लैंग्वेज में, किसी भी भाषा को लिखने के लिए प्रयोग किए जाने वाले निश्चित चिन्हों, निश्चित चिन्हों मतलब जो सिंबल है, जो सिंबल बनाया हुआ है उसी को लिपि कहते हैं। ठीक है, तो लिपि के बारे में आप लोग समझ गए कि लिपि क्या है, जो भी हम बोलते हैं उस जो वर्ड है उसके लिए जो हमने सिंबल बना के रखा है वो लिपि है। तो डिफरेंट लैंग्वेज का डिफरेंट सिंबल है। अभी देखो, हिंदी दूसरे ढंग से लिखना है, इंग्लिश दूसरे ढंग से लिखते हैं, तमिल अलग है। ठीक है, डिफरेंट लैंग्वेज का डिफरेंट सिंबल है। अभी देखो, जैसे कि हम ढेर सारी भाषाओं के नाम जानते हैं, हिंदी, संस्कृत, गुजराती, मराठी, नेपाली, अंग्रेजी, उर्दू, पंजाबी, फारसी। ठीक है, ये सारे डिफरेंट डिफरेंट जो हैं वो लैंग्वेजेज हैं। तो अभी पता है इंडिया में डिफरेंट जगह पे डिफरेंट लैंग्वेजेस बोली जाती है। ठीक है, इंडिया में डिफरेंट जगह पे डिफरेंट लैंग्वेजेस बोली जाती है, अलग अलग क्षेत्रों में, क्षेत्र के राज्य में अलग भाषा है, फिर राज्य में जितने डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ पे थोड़ी थोड़ी भाषा जो है वो चेंज होती जाती है। तो आज हम देखते हैं कि इंडिया में अधिक से अधिक मतलब कि फेमस फेमस लैंग्वेज कौन कौन सी बोली जाती हैं। भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे हिंदी, संस्कृत, पंजाबी, उर्दू, कश्मीरी, बंगला, उड़िया, तेलुगु, असमिया, सिंधी, गुजराती, बोडो, डोगरी, मैथिली, कन्नड़, संथाली, मणिपुरी, कोंकणी, संथाली, मलयालम, नेपाली, मराठी। इसी प्रकार अब भारत में निम्नलिखित 22 भाषाएं प्रचलित हैं। तो पता है जो फेमस है इससे भी ज़्यादा भाषाएं बोली जाती हैं। हर जगह एरिया के हिसाब से भाषाएं चेंज होती जाती हैं, भाषाओं का जो टोन है वो चेंज होता जाता है। लेकिन पूरे इंडिया में क्या है, 22 लैंग्वेज जो है वो काफ़ी फेमस लैंग्वेज है। मतलब कि ज़्यादातर लैंग्वेज जो है ना, ज़्यादातर लोग जो हैं ये 22 लैंग्वेज को ही मैक्सिमम लोग बोलते हैं, इसलिए 22 फेमस लैंग्वेजेज होती है। तो ये तो डिफरेंट स्टेट में अलग अलग भाषाओं की बात हुई कि कैसे कैसे लिपि क्या है, भाषा क्या है, लिपि क्या है, कौन कौन सी भाषाएं किस किस जगह बोली जाती हैं। अभी क्या हम पढ़ेंगे हिंदी के बारे में। ठीक है, हिंदी कहाँ से आई, हिंदी का जन्म कैसे हुआ। ठीक है, तो संस्कृत भाषा से ही हिंदी भाषा का जन्म हुआ। ठीक है, पहले संस्कृत बोली जाती थी। ठीक है, नॉर्थ साइड में मैक्सिमम लोग संस्कृत में ही लिखते थे, पढ़ते थे, बोलते थे। ठीक है, उसके बाद संस्कृत से ही हिंदी का जन्म हुआ है। ठीक है, क्योंकि संस्कृत के बहुत से शब्द जो हैं हिंदी से मिलते हैं। तो 14 सितंबर 1949 को हिंदी संविधान में भारत की राजभाषा स्वीकार की गई। ठीक है, तो उससे पहले अलग अलग हर जगह पे डिफरेंट लैंग्वेजेस बोली जाती थी, लेकिन जब कानून बना, हमारा देश स्वतंत्र हुआ, ठीक है, तो कोई एक लैंग्वेज होनी चाहिए ना जिसमें कि हर इंसान लिख सके, पढ़ सके, जान सके, क्योंकि हर एरिया में, हर स्टेट में लोग अलग अलग भाषाएं पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं। तो मान लो जैसे कि आप लोग जहाँ से आए, अभी हम तमिलनाडु में रह रहे हैं, तो हमें तमिल भाषा नहीं पता है, तो अगर हमें कुछ लिखना पढ़ना हो, कम्युनिकेट करना हो, तो हम कैसे लिखेंगे पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ के लोगों को उधर जाना हो तो उनको भी पढ़ने में दिक्कत होगी, बोलने में, लिखने में दिक्कत होगी। तो ऐसा बनाया गया कि कोई एक लैंग्वेज हो जिसमें मैक्सिमम चीज़ें, जैसे कि सरकारी काम हो या कुछ और इम्पोर्टेंट काम हो, कोई एक लैंग्वेज हो जिसमें कि हम कर सकें, तो ताकि लोगों को कन्फ्यूज़न ना हो। ठीक है,
तो उसी से 14 सितंबर को 1949 को हिंदी को संविधान में भारत की राजभाषा स्वीकार किया गया। ठीक है, तो लीगली जो है एक नेशनल लैंग्वेज के रूप में, राष्ट्रीय भाषा के रूप में हिंदी को एक्सेप्ट किया गया कि हिंदी एक कॉमन लैंग्वेज होगी। तो इसके लिए नॉर्थ में कंपलसरी होगा कि हिंदी सब्जेक्ट सारे लोग पढ़ेंगे, ताकि एक लेवल पे हर इंसान को एक लैंग्वेज हो, जिससे कि कम्युनिकेट करने में हम कहीं भी आए जाएं एक राज्य से दूसरे राज्य में, तो हमें बोलने में लिखने में दिक्कत न हो। भारत के अधिकांश हिस्सों में यही भाषा बोली और समझी जाती है। ठीक है, तो मतलब कि इंडिया के ज़्यादातर हिस्सों में हिंदी बोली जाती है। ठीक है, ओनली 5 स्टेट हैं इंडिया में जो कि इधर यहाँ के लोगों को ज़्यादा हिंदी नहीं आती है, जैसे कि आपका तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और केरल। ठीक है, यहाँ पे हिंदी कम बोली जाती है, बाकी अदर स्टेट में लोगों को हिंदी आती है। ठीक है, इसी से इसे राज्य भाषा बनाया गया। अभी क्या है, उपभाषा और बोली, हिंदी तो बोली जाती है लेकिन एक हिंदी लिटरेचर होता है। ठीक है, हिंदी लिटरेचर होता है और जो होती है उपभाषा। उपभाषा क्या है मैं आपको बताऊं, जैसे कि आप लोग मारवाड़ी बोलते हो, ठीक है, मारवाड़ी बोलते हो। लास्ट ईयर हम लोग जो बुक पढ़ रहे थे उसमें एक भोजपुरी कितने वर्ड थे, वो फसलों का त्यौहार हमने पढ़ा था, उसमें ढेर सारे भोजपुरी के वर्ड आए थे, वो भी एक लैंग्वेज है। तो ये सारी जो लैंग्वेज है जो कि रीजनल स्टेट पे, मतलब कि रीजनल बोली जाती है, हिंदी तो होती है लेकिन प्योर हिंदी नहीं होती। तो जो प्योर हिंदी नहीं है उसे हम उपभाषा कहते हैं। ठीक है, पूर्वी हिंदी, पूर्वी हिंदी क्या है, मतलब कि ईस्ट साइड में, इंडिया के ईस्ट साइड में, मतलब कि आपके उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के आसपास जो हिंदी बोली जाती है उसको हम बोलते हैं पूर्वी हिंदी। उसमें अवधी आ जाता है, अयोध्या, अयोध्या नाम सुना होगा। ठीक है, तो अयोध्या जो है वहाँ पे अवधी बोली जाती है। बघेली, बघेली जो है वो मध्य प्रदेश में बोली जाती है। छत्तीसगढ़ी जो है वो आपके छत्तीसगढ़ में बोली जाती है। ठीक है, तो पूर्वी हिंदी में आपका अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी आती है। हिंदी जैसी ही होती है लेकिन बोलने का टोन और कुछ शब्द जो हैं वो थोड़े अलग होते हैं मेन हिंदी लिटरेचर से। राजस्थानी हिंदी, राजस्थानी हिंदी में क्या है, राजस्थान में भी हिंदी बोली जाती है लेकिन थोड़ा सा चेंज होता है। जैसे कि आप लोग बोलते हो समझ तो आता है लेकिन कुछ वर्ड जो है इधर उधर चेंज होता है। जैसे उसमें जयपुरी, मारवाड़ी, मेवाती, मालवी, ये सारी राजस्थानी हिंदी होती है। पहाड़ी हिंदी, जैसे कि पहाड़ी इलाकों में भी लोग हिंदी बोलते हैं लेकिन थोड़ी सी चेंज होती है। उसमें होता है आपका गढ़वाली, कुमाऊनी, हिमाचली, हिमाचल प्रदेश में हिमाचली लैंग्वेज बोली जाती है, और उत्तरांचल में गढ़वाली बोली जाती है। उत्तरांचल से थोड़ा नीचे आओगे जो कुमायूं, नैनीताल वगैरह है, वहाँ पे कुमाऊनी लैंग्वेज बोली जाती है। अभी आया पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी हिंदी मीन्स आपका सेंटर जो है, इंडिया का सेंट्रल जो है वहाँ पे। ठीक है, खड़ी बोली बोली जाती है, हरियाणवी, जैसे कि हरियाणा हुआ ना, हरियाणा, दिल्ली, उसके आसपास की जो जगह है वहाँ पे पश्चिमी हिंदी बोला जाता है, या उत्तर प्रदेश का पश्चिमी हिस्सा है, हरियाणवी, कन्नौजी, ब्रजभाषा, ब्रजभाषा मतलब जो आपका ये मथुरा वगैरह साइड है ना, मथुरा, आगरा, ये सब ब्रजभाषा बोला जाता है। बिहारी हिंदी, बिहारी हिंदी मतलब कि जो बिहार में बोला जाता है, बिहार एक राज्य है उसमें बिहारी लैंग्वेज बोला जाता है। उसमें आपका हो गया भोजपुरी, मैथिली और मगही लैंग्वेज बोला जाता है। ठीक है, तो इस तरह हिंदी तो बोला जाता है लेकिन थोड़ा इधर उधर, मतलब कि थोड़े शब्द अलग होते हैं, टोन अलग होते हैं, उसी को हम उपभाषा बोलते हैं। ठीक है, अभी हमने पढ़ा उपभाषा और बोली। उपभाषा क्या होती है, जो बोलते तो हैं हिंदी में लेकिन अलग अलग राज्यों में अलग अलग बोला जाता है, बोलने का जो टोन अलग होता है। ठीक है, तो हमने पढ़ा उपभाषा और डिफरेंट राज्य की डिफरेंट बोलियां क्या हैं। तो बोली होती क्या है, ये बोली किसको कहते हैं। ठीक है, बोली सीमित क्षेत्रों में बोली जाने वाली भाषा के रूप को, सीमित क्षेत्रों में बोली जाने वाली भाषा के रूप को बोली कहा जाता है। एक लिमिटेड एरिया में, ठीक है, एक छोटी जगह पे जो लैंग्वेज हम बोलते हैं, ठीक है,
जो लैंग्वेज हम बोलते हैं ना उसे ही बोली कहते हैं, अर्थात स्थानीय व्यवहार में अल्प विकसित रूप में प्रयुक्त होने वाली भाषा बोली कहलाती है। जैसे कि छोटी छोटी जगह पर डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज बोला जाता है, ठीक है, वो दूसरे स्टेट के लोग, दूसरे डिस्ट्रिक्ट के लोग वो नहीं जानते हैं, ठीक है, बहुत कम लोग एक पर्टिकुलर एरिया में वो लैंग्वेज बोली जाती है उसी को बोली कहा जाता है, ठीक है। बोली का कोई लिखित रूप नहीं होता है, और वो जो लोग लैंग्वेज बोलते हैं ना वो कोई रिटन में नहीं होती है, सिर्फ वो बोल चाल में ही होता है, ठीक है, वो सिर्फ बोल चाल में ही होता है, उसका कोई रिटन प्रूफ नहीं होता है, उससे हम कोई लिटरेचर नहीं लिखते, वो लैंग्वेज हम बुक में नहीं लिखते हैं, सिर्फ लोग आम बोलचाल की भाषा में उसको बोलते हैं, वही बोली होती है, ठीक है। व्याकरण, अभी तो हमने आज भाषा के रूप में पढ़ा, तो क्या क्या पढ़ा भाषा के रूप में, भाषा पढ़ा, भाषा का विकास कैसे हुआ, लिपि क्या होती है, ठीक है, और उसके बाद उपभाषाएँ क्या होती हैं, वहाँ की बोलियाँ क्या होती हैं, और बोली क्या है। अभी नेक्स्ट हम पढ़ेंगे व्याकरण, जिसको हम ग्रामर बोलते हैं। तो ग्रामर क्या होता है, व्याकरण, ग्रामर मतलब व्याकरण। भाषा को शुद्ध रूप में लिखना पढ़ना और बोलना सिखाने वाला शास्त्र व्याकरण कहलाता है। तो किसी भी लैंग्वेज को, कोई भी जो लैंग्वेज हम बोल रहे हैं उसको शुद्ध रूप में मतलब कि सही ढंग से प्रॉपर वे में लिखना, उसको पढ़ना, जैसे लिखा है वैसे ही प्योर प्रोनाउंसिएशन करके पढ़ना और वैसे ही प्रोनाउंस करना, बोलना सिखाने वाले शास्त्र को, ये जो चीज़ें हमें लिखना पढ़ना बोलना सिखाने वाला जो सब्जेक्ट होता है, जो होता है सब्जेक्ट शास्त्र, शास्त्र मतलब बुक, उसको हम व्याकरण कहते हैं, ठीक है, उसे हम व्याकरण कहते हैं, व्याकरण मतलब ग्रामर। ओके चिल्ड्रन, तो होमवर्क आपका क्या होगा, अभी मैं आपको होमवर्क देती हूँ, प्रॉपर देखो और लिखो। इस बार का होमवर्क क्या होगा, आपको वन पैराग्राफ में कोई देती हूँ उसको आपको बहुत ही नीट एंड क्लीन पढ़ पढ़ के लिखना है, ठीक है, हैंड राइटिंग शुड बी वेरी गुड। ओके चिल्ड्रन, थैंक यू एंड हैव ए गुड डे।